हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ सहजन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। सहजन की सब्जी में विटामिन ए, विटामिन सी होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। यह आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है। इसे खाने से हार्ट पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है और इससे आपकी डायबिटीज़ को भी यह कंट्रोल करता है। तो यह औषधि से गुण भरे सब्जी को बनाने के लिए आइए मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले आप आधा किलो सहजन ले लें। इसे अच्छी तरह से काट कर धो के इसे तैयार कर लें। इसमें हमें टमाटर की प्यूरी चाहिए और इसमें लहसुन सरसों का प्यूरी लाई हूँ मैं पेस्ट। इसे आप डालने से आपको फिश करी का फ्लेवर आएगा। इसमें मुझे एक प्याज, दो टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप सब्जी को लगभग 1 इंच या 1.5 इंच के लगभग छीलकर काट ले और अच्छे से धो ले। फिर हम दो प्याज है इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। अब एक भगोने में हम गरम पानी चढ़ाते हैं और इसमें हम सहजन की फली को अच्छे से धोकर डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालकर इसे बॉईल करेंगे। फिर इसे 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे और स्लो मीडियम आंच में इसे उबलने देंगे। जब तक मेरी सहजन की फली उबल रही है तब तक हम मसाले की ग्रेवी तैयार करते हैं। एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा ले, उसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे। जब जीरा थोड़ा फ्राई हो जाए तो उसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे। फिर इसे ढककर ढक ढक कर चलाएं। इधर आप देख सकते हैं कि मेरी ड्रम स्टिक जो है वो पक चुकी है। इसे आप चेक कर सकते हैं। इसे मैंने 10 मिनट तक उबाला है। इधर मेरा प्याज लगभग फ्राई हो चुका है, ये गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और सरसों की पेस्ट को डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे और फिर इसे हम चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हम ढक ढक कर फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक। जब हमारा मसाला फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसे फ्राई करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि मेरे मसाले से तेल छोड़ने लगा है। इसी तरह हम अच्छे से इसे ढक ढक कर फ्राई करते रहेंगे पाँच मिनट पर। इसके बाद हम ड्रम स्टिक को इसमें डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा एक चम्मच के लगभग नमक डालेंगे और एक कटोरा पानी। पाँच छः मिनट तक हम इसे इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सहजन की सब्जी फ्राई हो चुकी है। इसमें हम एक कटोरा पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 या 6 मिनट के लिए हमें फिर से उबाल आने देंगे। अब हमारी सहजन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।